नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज और मैं हूं नीतीश्री। समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल पंप पर कम तेल देने की शिकायत और संचालकों द्वारा तेल चोरी करने की। कम तेल देना पड़ सकता है भारी और अगर ग्राहकों ने कर दी शिकायत तो लाइसेंस भी हो सकता है रद्द। दरअसल केंद्र सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है जिसके बाद पेट्रोल पंप के संचालकों की नकेल कस दी गई है। पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर तेल चुराना पड़ सकता है महंगा, ग्राहकों को भी रहना पड़ेगा सतर्क एवं जागरूक। वहीं बोकारो बीजीएच में अब कोरोना के पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन यह मुफ्त सुविधा सिर्फ उन मरीजों के लिए है जो किसी और बीमारी का इलाज करवाने बीजीएच में जाएंगे। अस्पताल प्रशासन सिर्फ उन मरीजों से परहेज कर सकता है जो कोरोना का जांच कराने अस्पताल में आएंगे। गौरतलब है कि टू नेट मशीन की इस जांच से सिर्फ एक घंटे में ही रिपोर्ट प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं देश में कोरोना वायरस के मामलों की। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक रोजाना लगभग 50,000 नए केसेस आने लगे हैं। राष्ट्र स्तर पर बात करें तो अब तक 13,36,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 31,350 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8,50,000 लोग ठीक हुए हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल इसकी संख्या 4,56,000 है। और अब बात बच्चों पर पड़ने वाले कोरोना साइड इफेक्ट की। झारखंड शिक्षा परियोजना पदाधिकारी ने अभिभावकों से स्कूल को खोलने को लेकर फीडबैक मांगा है। सरकार ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर अभिभावकों से ऑनलाइन संपर्क बनाकर स्कूल खोलने को लेकर फीडबैक मांगने को कहा। गौरतलब है कि सरकार कोरोना के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ऐसे में स्कूल को खोलने को लेकर सरकार अभिभावकों को विश्वास में लेना चाहती है। झारखंड में वांटेड और राज्य सरकार के खिलाफ गुजरात में आदिवासियों को भड़काने वाले 3 कथित नक्सलियों को गुजरात के एटीएस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान झारखंड के सानू उड़ीसा, बिरसा उड़ीसा और बबीता कश्यप के रूप में हुई है। बोकारो में 74वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 12 के पुलिस लाइन के मैदान में आयोजित किया जाएगा। स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल के विद्यार्थी एवं एनसीसी कैडेट इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फ्रेंडली मैचेस को भी रद्द कर दिया गया है। व्यंग्य फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के प्रयासों से पीएमओ ने संज्ञान लिया है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मंजूरी देगी। गौरतलब है कि देश भर के सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जस्टिस फॉर सुशांत के जरिए कैंप भी कर रहे हैं। जमशेदपुर के भाजपा नेता प्रकाश यादव की हत्या के मामले में मानगो और उलीडी मंडल के द्वारा डिमना चौक और मानगो चौक में इस हत्याकांड की निंदा करते हुए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक का पुतला फूंका गया। कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता इन दिनों फलदार वृक्ष के पौधे लगा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह पहल निश्चित ही बहुत अच्छी है, साथ ही फलदार पेड़ लगाने का फैसला भी अति उत्तम है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।